ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार की लड़कियों ने बहुत सारी चीजें झेली हैं और इस परिवार में बहुत सारे राज दफन हैं। फिर जब ये सारे राज बाहर आते हैं तब इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके पूरी दुनिया दंग रह जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम हार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी पुलिस के सामने बैठा है और पुलिस उससे पूछता है कि तुमने उसे इतने नजदीक से क्यों मारा जबकि तुम उसे दूर से भी मार सकते थे। और जब हार्ली इन बातों को सुनता है तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें 2 साल पहले का समय देखने को मिलता है जब हार्ली अपने सबसे छोटी बहन जोड़ी को लेकर के घर आ रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही घर आता है उसके थोड़े समय के बाद अपनी दूसरी बहन मिस्टी से पूछता है कि उसकी बड़ी बहन एम्बर कहाँ है। तब वो बताती है कि वो डेट पे गई थी और तब से ये दोनों बहनें अकेली थी। और इस बात को सुनने के बाद हार्ली गुस्सा हो जाता है और वो एम्बर का दरवाजा पीटने लगता है। हार्ली की 3 छोटी बहनें हैं और इन सब में बड़ी है एम्बर। इसीलिए हार्ली चाहता है कि एम्बर अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखे लेकिन एम्बर हमेशा ही बाहर लड़कों के साथ घूमती रहती है। इसीलिए अब हार्ली गुस्सा करने लगता है एम्बर पे। तब एम्बर भी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ मुझसे जलते हो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के मजे ले रही हूँ जबकि तुम दिन भर काम में ही व्यस्त रहते हो। फिर इस बात को सुनकर के हार्ली यहाँ से चला जाता है। फिर जब रात में वो खाना खा रहा होता है तब वो देखता है कि जोड़ी खाना नहीं खा रही। तब वो उससे पूछता है, तब वो कहती है कि अपने हॉट डॉग को टुकड़ों में काट दिया और मैं टुकड़े वाली चीजें नहीं खाती। तब हार्ली उसे अपना खाना दे देता है और यहाँ पे जोड़ी अपने भाई की तारीफ करती है कि वो कैसे सारे सिचुएशन को ठीक कर देता है। लेकिन अब अगले दिन हार्ली जैसे ही काम पे जाता है उसे वहाँ पे एक औरत मिलती है जिसका नाम है कैली। और कैली आती है हार्ली के पास और कहती है कि मेरी बेटी तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करती है और वो बार बार उसके बारे में पूछती रहती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोनों किसी दिन एक साथ खेले। और इतने कहने के बाद वो हार्ली को थोड़ी देर तक देखती है और यहाँ से चली जाती है। फिर हार्ली अपने घर आ जाता है और जब वो रात में सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और वो अपनी बंदूक निकालता है और बाहर निकलने लगता है। तभी वो देखता है कि एम्बर किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो घर से बाहर जाता है और गोलियां चलाने लगता है और इस चीज को सुनने के बाद वो लड़का भाग जाता है। और एम्बर इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने भाई पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरी जिंदगी से सारी खुशियां छीनना चाहते हो। और जोड़ी और मिस्टी ये सारी चीजों को देख रही होती है। तभी हार्ली घर के अंदर आता है और वो सोफे को ले आकर के बाहर जला देता है जिसपे ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फिर अगले दिन हार्ली जब जोड़ी को स्कूल से लेकर के वापस आ रहा होता है तब जोड़ी हार्ली से पूछती है कि क्या मां मरने वाली। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनकी माँ जेल में है क्योंकि इसकी माँ ने इन लोगों के पिता को गोली मार दी थी। तब हार्ली जोड़ी को चुप करवा देता है और उसके बाद वो उसे एक चुटकुला सुनाता है। फिर ये लोग पहुँचते हैं जेल में जहाँ इनकी माँ इन लोगों से मिलने आती है। तब जोड़ी उसे गले लगा लेती है और इनकी माँ कहती है कि मिस्टी नहीं आई। तब हार्ली कहता है कि नहीं, अगर वो आती तो रास्ते में ही ये लोग झगड़ने लगते। और इतना कहने के बाद इनकी माँ हार्ली से कहती है कि तुम बदले बदले से लग रहे हो। और इस बात को सुनते ही हार्ली रोने लगता है। तब वो पूछती है कि क्या तुमने अपने पिता का कोट पहन रखा है। और जोड़ी कहती है कि हमेशा ही ये इस कपड़े को पहनते हैं। और यहाँ पे हार्ली अपनी माँ को ये भी बताता है कि एम्बर आजकल कुछ ज्यादा ही डेट पे जा रही है। तब इसकी माँ कहती है तो इससे क्या प्रॉब्लम है। और इतना कहने के बाद वो हार्ली से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और इस बात को सुनने के बाद हार्ली रोने लगता है और वहीं पे बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब उसकी माँ चिल्लाने लगती है लेकिन ये लोग हार्ली को बाहर ले जाते हैं। और हम जल्दी ही हार्ली को देखते हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास और वो उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है कि तुम इतने टेंशन में क्यों रहते हो। तब वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि एम्बर मेरी 2 छोटी बहनों का ख्याल रखे लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। तब साइकेट्रिस्ट कहती है, तब तुम किसी अपने रिलेटिव से मदद क्यों नहीं मांगते। तब हार्ली कहता है कि मेरे कोई भी रिलेटिव नहीं है। फिर वो कहती है तुम्हारे एक अंकल तो है। तब वो कहता है कि वो शराबी है और शराबी अपना ख्याल नहीं रख सकता, फिर वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा। तो फिर साइकेट्रिस्ट पूछती है कि तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा अपनी बेटियों को लेकर के चिंतित रहती है, ऐसा क्यों। तब हार्ली कहता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए इसीलिए। फिर वो कहती है कि इसमें क्या बुराई है, तुम भी तो किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हो। तब हार्ली कहता है कि अगर मैं किसी को प्रेग्नेंट करूंगा तब मैं उसे शादी करूंगा। तब साइकेट्रिस्ट कहती है कि अगर तुम उससे प्यार नहीं करते फिर भी। तब वो कहता है कि अगर मैं किसी के साथ इंटीमेट हो रहा हूं इसका मतलब यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं। तब साइकेट्रिस्ट पूछती है कि क्या तुम अपने पिता से भी प्यार करते थे। और वो कहता है कि हां, क्योंकि वो जितनी भी चीजें कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन साइकेट्रिस्ट कहती है कि वो तो तुम लोगों को पीटा भी करते थे। तब इस बात को सुनने के बाद हार्ली यहां से चला जाता है। और यहां से जाने के बाद वो पहुंचता है कैली के घर पे जहां अभी जोड़ी खेल रही होती है। फिर हार्ली और कैली दोनों बैठ करके बातें करने लगते हैं और ये दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। फिर हार्ली अपनी बहन को लेकर के वापस आ जाता है लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर आता है वो एम्बर को देखता है किचन में जिसने उसका शर्ट पहन रखा है और वो बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी है। फिर हार्ली एम्बर को कहता है कि मेरा शर्ट उतार दो। तब वो शर्ट उतारने लगती है लेकिन उसने अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं पहना होता है इसीलिए हार्ली उसे रुकने के लिए कहता है। तब एम्बर कहती है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तब हार्ली कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लाइसेंस को बनवा सकूं। और इस बात को सुनने के बाद एम्बर गुस्सा होने लगती है। तभी मिस्टी बताती है कि कैली ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है और वो पूछता है कि उस गिफ्ट में क्या है। तब वो बताती है कि उसमें एक आर्ट बुक है। इसीलिए जब हार्ली अगले दिन अपने काम पे जाता है तब उसे फिर से कैली मिलती है और पूछती है कि क्या तुमने उस गिफ्ट को देखा जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा था। और वो कहता है कि हाँ। तब वो उस गिफ्ट के बारे में बात करने लगती है क्योंकि वो एक आर्ट बुक होती है। फिर हार्ली भी अपना विचार रखता है और कैली को पता लगता है कि इसे भी आर्ट में रुचि है और इस चीज को देखने के बाद वो बहुत प्रभावित होती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जब हार्ली अपने घर वापस आता है तब वो अपने अंकल को देखता है और उसके अंकल जोड़ी के साथ खेल रहे होते हैं और जोड़ी भी अपने अंकल को
बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो जूडी को चॉकलेट देता है और इसे लेकर के वो खुश हो जाती है। तब हार्ली के अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें एक नया सोफा खरीदना चाहिए और वो ये भी बताते हैं कि इस घर को उसे कैसे रेनोवेट करवाना चाहिए। और हार्ली कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं। तब वो एक एल्बम बाहर निकालते हैं। तब तक यहां पे एम्बर आ चुकी होती है और जब ये लोग एल्बम को देखते हैं तब एम्बर मजाक उड़ाने लगती है अपने अंकल का और इस चीज से वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर के यहाँ से चले जाते हैं। तब हार्ली जमीन पे लेट जाता है और यहीं पे एम्बर भी लेट जाती है और ये लोग थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। फिर रात में हार्ली की जैसे ही आंख खुलती है उसे लगता है कि बाहर कुछ आवाज आ रही है, इसीलिए वो अपनी बंदूक लेकर के बाहर निकलता है लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता है और वो बाहर जाकर के गिर जाता है। तब कैली उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ये सारी चीजें कैली कर रही होती है क्योंकि हार्ली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब हार्ली कराह रहा होता है और कैली उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर जैसे ही हार्ली की सुबह में आंख खुलती है वो अपने होठों पे एक जख्म को पाता है। फिर वो अपने आप को साफ करता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी वो मिस्टी के हाथों में एक बंदूक को देखता है और वो यहाँ पे गोलियां चला रही होती है। फिर वो उसे मना करता है और कहता है कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम बंदूक नहीं चला सकती। तब वो कहती है कि मैं 12 की हूँ और जब आप 8 साल के थे तब से आप गोली चला रहे हो। लेकिन हार्ली यहाँ पे मिस्टी की एक नहीं सुनता और वो बंदूक लेकर के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है वो जोड़ी के हाथ में एक कपड़ा देखता है जिस पर खून लगा होता है। और जब वो जोड़ी से पूछता है कि ये क्या है तब जोड़ी कहती है कि ये मिस्टी का कपड़ा है लेकिन ये कपड़ा उसे जंगल में मिला है, इसलिए हार्ली इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करता। फिर वो अपने सुपरमार्केट पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे कैली आती है अपने दोनों बच्चों के साथ और वो कुछ सामान लेती है। तब हार्ली उसे बाहर तक छोड़ने आता है। तब कैली उसे कहती है कि रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन अब हम वो दोबारा कभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, मेरा पति है और उसके साथ साथ मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। तब हार्ली कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तब कैली कहती है कि मेरे पति घर पे नहीं है इसलिए मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। तब हार्ली कहता है कि मैं रात में फिर से आऊंगा और इतना कहने के बाद वो मार्केट के अंदर चला जाता है। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं क्योंकि तुम कहीं और ही खोए रहते हो, इसलिए तुम अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो। और अब हार्ली इन बातों को सुनने के बाद फिर से चला जाता है कैली के घर पे और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब कैली उससे पूछती है कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था और तुम पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे थे। तब हार्ली कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं और वो आजकल हमेशा ऐसे ही रहता है, अभी भी उसकी तबीयत खराब लग रही है। तब कैली कहती है कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो और कहीं उससे तुम्हें अच्छा लगे। और इतना कहने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर सुबह में उसे कैली जगाती है और कहती है कि अब तुम्हें काम पे जाना चाहिए। लेकिन हार्ली जैसे ही अपने घर आता है एम्बर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम रात भर कहाँ थे। और इतने कहने के बाद वो उसे अंदर लेकर के जाती है और बताती है कि मिस्टी के हाथ में बहुत सारे पैसे हैं और ये $1,000 है। तब हार्ली मिस्टी से पूछता है कि ये तुम्हें पैसे कहाँ से मिले। तब वो बताती है कि ये माँ के पैसे हैं और उन्होंने छुपा करके रखा था क्योंकि वो हमें लेकर के भाग जाना चाहती थी पापा के चंगुल से। तब इस बात को सुनने के बाद एम्बर वो पैसे छीन लेती है और किचन में चली जाती है। तभी वहाँ हार्ली जाता है और वो हार्ली से कहती है कि अब मैं अपने लाइसेंस को बनवा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए। तब हार्ली उन पैसों को छीन लेता है और थोड़े दिनों के बाद वो फिर से जाता है कैली के पास और कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तब वो कहती है क्योंकि मेरे घर पे मेरे पति थे और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही कॉल नहीं कर सकती। तब हार्ली कैली को पकड़ करके अंदर ले जाता है और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। तब कैली यहाँ पे हार्ली को एक लेटर देती है जो जोड़ी ने उसकी बेटी को दिया था और इसमें उसने एक पोयम लिखा है और इस पोयम में उसने खून खराबे की बातें लिखी है। लेकिन हार्ली इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तभी रात हो जाती है और हार्ली और कैली दोनों एक बार फिर से एक साथ होते हैं। तब कैली उससे पूछती है कि क्या मैं पहली औरत हूँ जिसके साथ तुम सोए हो, और हार्ली कहता है कि हाँ। तब कैली कहती है कि मुझे पता नहीं था वरना मैं उस अनुभव को और यादगार बनाती। और इतने कहने के बाद वो कहती है कि हम हर एक बुधवार को इंटीमेट होंगे कि कुछ दिन मेरे पति बाहर रहते हैं। फिर अगले दिन हार्ली पहुंचता है साइकेट्रिस्ट के पास। तब साइकेट्रिस्ट उससे फिर से वही सवाल पूछती है कि क्या एक पिता अपने बच्चों को पीट सकता है, और हार्ली कहता है कि हाँ। तब वो कहती है कि क्या वो सेक्सुअली अब्यूज भी कर सकता है। तब इस बात को सुनने के बाद हार्ली चौंक जाता है और कहता है कि क्या आपको ये मिस्टी ने कहा, क्योंकि मिस्टी का भी सेशन चलता है साइकेट्रिस्ट के साथ। तब वो कहती है कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे मिस्टी के साथ और मिस्टी और एम्बर हमेशा ही परेशान रही है। तब हार्ली कहता है कि एम्बर इसलिए परेशान रहती है क्योंकि उसे कभी भी अच्छा लड़का नहीं मिलता और वो हमेशा ही डेट करती रहती है। और इतने कहने के बाद हार्ली से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि एम्बर एक लड़के के साथ भाग रही है। तब हार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एम्बर हार्ली पर ही चिल्लाने लगती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन एम्बर के जाते ही जोड़ी रोने लगती है। तब हार्ली उसे समझाता है और कहता है कि एम्बर बहुत जल्दी वापस चली आएगी। और इतना कहने के बाद वो जोड़ी को घर के अंदर ले जाता है और उससे बात करने लगता है और कहता है कि आखिर एम्बर यहाँ से क्यों भागी। तब वो कहती है कि वो दोनों झगड़ा कर रहे थे और मिस्टी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद एम्बर यहाँ से चली गई। तब हार्ली पूछता है कि उसने क्या कहा। तब वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना और वो लोग मुझे ज्यादा कुछ
बताते भी नहीं और कहते हैं कि मैं सीक्रेट नहीं रख पाती, लेकिन मैं सीक्रेट रखती हूँ। तब इस बात को सुनकर हार्ली कहता है कि तुमने क्या सीक्रेट रखा है, लेकिन जोडी कुछ भी नहीं बताती। तब हार्ली पूछता है कि कुछ दिन तुम्हारे हाथ में जो शर्ट था जिसपे खून लगा था वो किसका खून था। तब वो बताती है कि वो पापा का खून था। तब हार्ली कहता है लेकिन वो मिस्टी की शर्ट थी और जब पापा को गोली लगा तब मिस्टी मॉल में थी। तब जोडी बताती है कि नहीं, जब पापा को गोली लगी तब माँ ने मिस्टी को ले जाकर के मॉल में छोड़ दिया और वो वहाँ से वापस आई और फिर उसने इस शर्ट को ले जाकर के जंगल में छुपा दिया। और इस बात को सुनने के बाद अब हार्ली को शक होने लगता है, इसीलिए वो पहुँचता है अपने माँ के पास जेल में। तब वो उसे पूछती है कि लड़कियाँ कैसी है। तब हार्ली कहता है कि मैं तुम्हारी बेटियों का ख्याल रख रख के थक चुका हूँ, इसीलिए अब तुम जाकर के अपनी बेटियों का ख्याल रखो। तब इस बात को सुनकर के उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है कि तुम दिन प्रतिदिन क्या बनते जा रहे हो। तब हार्ली कहता है कि मुझे पता है कि आपने पापा को नहीं मारा था, मिस्टी ने पापा को मारा था, लेकिन अपने जानबूझ के उस इल्जाम को अपने सर पे ले लिया ताकि आप इस जेल में आ जाओ और अब सारी झंझटों से दूर हो जाओ। तब उसकी माँ कहती है कि नहीं, मिस्टी मुझे मारना चाहती थी क्योंकि वो मुझ पे गुस्सा थी, लेकिन तुम्हारे पिता सामने आ गए, इसीलिए उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे पिता मेरी वजह से मरे, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और इस बात को सुनने के बाद अब हार्ली यहाँ से निकल जाता है। तभी रात में एम्बर घर पे आ जाती है, लेकिन वो हार्ली से कहती है कि उसका अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, तब वो कुछ ही दिन यहाँ पे रहेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी। तब हार्ली उसे समझाता है और कहता है कि वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अपने घर पे आराम से रहो और ये तुम्हारा घर है। और इतना कहने के बाद वो फिर से जाता है कैली के पास। तब कैली उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे पति अभी भी घर के अंदर है, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या करने आए हो, यहाँ से चले जाओ, हम बुधवार को मिलेंगे। और हार्ली भी यहाँ से चला जाता है। तब अगले दिन सुपरमार्केट में उसके पास आती है एम्बर और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जा रही है। तब हार्ली उसे बार बार रोकने लगता है और कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, अभी भी रुक जाओ। और इतनी सारी बातों को सुनने के बाद एम्बर रुक जाती है, लेकिन रात में बातों ही बातों में एम्बर चिल्लाने लगती है हार्ली पे और कहती है कि तुम एक बहुत ही गलत आदमी हो और तुम इतने दिनों से कैली के साथ गलत कर रहे हो, वो एक शादीशुदा औरत है। और इस बात को सुनने के बाद अब हार्ली टूटने लगता है और वो जल्दी ही पहुंचता है साइकेट्रिस्ट के पास और उसे पकड़ करके रोने लगता है और कहता है कि जब मैं रात में जगा तब एम्बर मेरे पास सोई हुई थी, तब से मैं अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं और वो मेरे आसपास बहुत ही कंफर्टेबल होती है, इसीलिए शायद वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ करके मेरे पास आई। और इतने कहने के बाद वो घर आ जाता है। तब मिस्टी उसे कहती है कि मैंने रात में तुम्हें और एम्बर को झगड़ा करते हुए देखा। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि डैडी ने कभी मुझे प्यार नहीं किया और ना ही तुम्हें। तब हार्ली कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर मिस्टी कहती है कि डैडी जैसे मॉम से प्यार किया करते थे वैसा प्यार उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं किया। तब हार्ली मिस्टी को समझाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पापा को मारा है और तुम इस बात को समझ लो कि पापा जैसे माँ को प्यार करते थे वो प्यार अलग था, वो उस तरीके से तुम्हें प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि अब हार्ली समझ चुका है कि उसके पापा मिस्टी को हैरेस किया करते थे, वो भी सेक्सुअली, इसीलिए वो यहाँ से बाहर चला जाता है। और वो जैसे ही कैली के घर पे जाता है उसे वहाँ पे कैली की लाश मिलती है और थोड़ी दूर वो देखता है कि एम्बर खड़ी है। तब वो एम्बर को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जब तक वो जिंदा है तब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे और मेरे करीब नहीं रहोगे, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद हार्ली उस बंदूक को ले लेता है और कैली को मारने का इल्जाम अपने सर पे ले लेता है। और अब कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो हार्ली को कहता है कि तुम और कैली तो एक दूसरे से प्यार किया करते थे, फिर तुमने उसे क्यों मारा। तब हार्ली कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपने पति को छोड़ दे, लेकिन उसने मना कर दिया, इसीलिए मैंने उसे गोली मार दी। और इस बात को सुनने के बाद ये पुलिस वाला समझ जाता है कि हार्ली झूठ बोल रहा है और वो किसी को बचा रहा है, लेकिन पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए अब हार्ली को जेल में डाल दिया जाता है। तब उसकी साइकेट्रिस्ट उससे मिलने आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन हार्ली कहता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।